और फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि नाबालिग सियासत ने पीपल्स पार्टी को विफाक से इलाकाई पार्टी बना दिया। मैसेज था प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के हवाले से, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मेरी जो जितनी तहकीकात है वो ये है कि एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसका प्राइम मिनिस्टर से, रियासत से किसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग जो धरती माँ के बारे में बुरा भला कहते हैं और वो दियारे खैर में पना लेके पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। रियासत पे और रियासती इदारों पे, रियासत पाकिस्तान सिविल मिलिट्री एक पेज पे, अब किसी को इजाजत नहीं होगी। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस धरती माँ से मोहब्बत करते हैं और यहाँ के लोगों से कहते हैं कि वोट पे इज्जत हो, तो इनको यहाँ पे आना चाहिए, मुकदमों का मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान पीटीआई के खिलाफ ये जितना क्रिटिसिज्म करें करें, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और जो भी इस धरती माँ के और इदारों को चैलेंज करेगा इंशाल्लाह उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा।